खंडवा पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहूँगा। हमारी पुलिस चौकस चौकन्नी और सतर्क है, यही कारण है कि एक IAS का बड़ा आतंकवादी जिसके माध्यम से बड़ी संभावना थी, हमने चौकन्ने होकर के उसको न केवल अपने कब्जे में लिया बल्कि उसके साथ कई सारे साहित्य, कई सारी चीज़ें हैं, हम इससे जुड़ी भारत सरकार की सभी गुप्त एजेंसियों के संपर्क में भी आ गए हैं। हम उनको भी जानकारी दे रहे हैं कि इसके माध्यम से जो जो भी बड़े नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उससे भी जानकारी जुटाई जाए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई घटना हो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण है कि ऐसे आतंकवादी को हमने न केवल पकड़ने में सफलता प्राप्त की है बल्कि इससे जुड़े हुए सारे राज भी हमने समझ लिए। उम्मीद करता हूँ कि पुलिस की इस कार्रवाई से निश्चित रूप से इनकी कमर टूटेगी और ऐसी किसी घटनाओं से लड़ने में पुलिस सक्षम है। मैं पुलिस के जवानों को बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि वो यही सजगता बरकरार रखेंगे। फैजान नाम का आतंकवादी जिसके बारे में जानकारी मुझे दी गई है, इसके पास ISI से लेकर के कई सारे ऐसे साहित्य मिले हैं जिसके माध्यम से कई वीडियो वो फॉलो करता था, कई प्रकार के प्रमाण मिले हैं और इससे कई प्रकार का असला मिला, रिवॉल्वर मिली है, बाकी ऐसा खतरनाक साहित्य मिला है जिसके कारण से उसके लिए खास करके भारत की सुरक्षा के लिए वो खतरा हो सकता था। मध्य प्रदेश की पुलिस को मैं एक बार फिर आपके माध्यम से बधाई देता हूँ। ये किस तरीके की मानसिकता है कि देश में रह रहे हैं, देश का खा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि ये ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ ही तो हम कहते हैं, तो हमको कहा जाता है कांग्रेस के लोग कि ये हिंदू आतंकवादी। अब मैं किसको बोलना चाहूँगा, कांग्रेस के नेता को जिससे सबक लेना चाहिए। ऐसी घटनाओं के कारण से ही तो देश की सुरक्षा व्यवस्था में खतरे में पड़ती है। मैं उम्मीद करूंगा कि पुलिस इसी प्रकार से सजगता के साथ ऐसी कठोर कार्रवाई करती रही। ये जवानों पे हमले की प्लानिंग बना रहा था, बहुत सारी बातें हैं, अभी मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हमने समय रहते बहुत बड़ी वारदात होने को रोका है और मध्य प्रदेश की सरकार ऐसी बातों से निपटने में सक्षम। केंद्रीय जांच एजेंसियों से कांटेक्ट किया? जरूर जरूर, मैंने बोला ना प्रारंभ में कि सबसे पहले हमने केंद्रीय गुप्तचर संस्था से लेकर भारत सरकार को सूचित किया है कि ऐसी ऐसी व्यक्ति ऐसी घटना से लिप्त पाया गया, हम भी अपनी जाँच कर रहे हैं और वो उनको भी सहयोग करेंगे ताकि वो उससे डिटेल में जानकारी निकाल सके। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।